उत्तर प्रदेश चुनाव की काउंटिंग में पहले निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वाराणसी में ईवीएम के बाद अब चंदौली में वीवीपैट के चुनाव चिन्ह छपी पर्ची बरामद हुई। भारी संख्या में बरामद वीवीपैट के साथ मंगलवार की देर रात को बहुजन समाज पार्टी के सैयद राजा प्रत्याशी अमित यादव काउंटिंग स्थल पर पहुँच कर धरने पर बैठ गए। इस दौरान ईवीएम की सुरक्षा में लगे सिपाहियों ने भी विरोध प्रदर्शन और हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि बाद में एसडीएम सदर की तरफ से जांच के बाद कार्यवाही के आश्वासन पर लोग माने और धरना समाप्त हुआ। चंदौली से पवन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जी थे, उन्होंने बताया कि एक बूथ पे कुछ माकपुर की या मतदाता पर्चा मिली वीवीपैट की, उसी के संबंध में इनकी शिकायत थी। तो इनका प्रार्थना पत्र ले लिया गया है, जिलाधिकारी महोदय से वार्ता भी हो गई इनकी, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और समस्या का समाधान कराया जाएगा। सैयद राजा विधानसभा में जिसे बूथ पे वीवीपैट की पर्चियाँ, जिसमें पर्ची जो चुनाव चिन्ह का निशान है, हमारा काफ़ी मात्रा में हाथी निशान की पर्चियाँ फेंकी गई थी और पर्चियाँ जलाई गई, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी पर्ची नहीं है। और मुझे शंका नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये लोग चुनाव में काफ़ी धांधली किए हैं और काफ़ी साजिश किए हैं और हर जगहों मैं तो ये एक बूथ की बात है, मैं समझता हूँ कि हर बूथ में ऐसा ये लोग धांधली किए हैं। मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच करा के सैयद राजा विधानसभा का चुनाव फिर से कराया जाए। चंदौली हमारी विधानसभा सैयद राजा 382 में बूथ नंबर 78 गांव अमारपुर में हमें वीवीपैट की पर्चियां भारी मात्रा में मिली, कुछ जला दी गई और कुछ हमारे पास है। और मैं जब से चुनाव हो रहा है, जब से मैं कहता आ रहा हूँ बराबर कि सैयद राजा में निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, इसके लिए मैंने बराबर कहा, मगर हमारी कोई बात नहीं सुनी गई और आपके सामने आज प्रमाण है। और एक गांव नहीं, मैं कई गांवों के ऐसे बूथों की पर्ची आप लोगों को एक आध दिन में उपलब्ध करा दूंगा। कौन कौन सी पार्टियों की जो पर्चियां मिली हैं वो मिली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की छोड़ के यहाँ तक कि नोटा की भी पर्ची है। तो अब आगे किस तरह की रणनीति रहेगी आप लोगों? हम लोग बैठे हैं धरने पर, प्रवेक्षक महोदय आए हुए हैं, आरओ साहब आए हुए हैं, बातचीत चल रही है, मगर हम लोग चाहते हैं कि सैयद राजा उनको न चुनाव हो।